बीते साल गर्मियों की छुट्टियों में रिलीज हुई फिल्म भूत भुलैया 2 से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी जोड़ी कार्तिक आर्यन और किराना आडवाणी एक बार फिर फिल्म सत्यप्रेम की कथा में साथ हैं। पहले इस फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा रखा गया था, लेकिन इसे लेकर विवाद होने की संभावना के चलते इसे सत्यप्रेम की कथा कर दी गई। देश भर के करीब 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा को लेकर यंगर्स ने काफ़ी क्रेज है। अगले महीने के आखिर में रिलीज होने वाली रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से पहले जुलाई के पूरे महीने में कोई दूसरी बड़ी फिल्म नहीं होने के कारण इस फिल्म के पास सिनेमाघरों में कमाई के लिए एक महीने का लंबा वक्त है। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। अहमदाबाद में रहने वाला सत्यप्रेम उर्फ सत्तू कार्तिक आर्यन बेरोजगार है। LLB फाइनल ईयर में फेल होने के बाद वो फिलहाल घर पर ही अपने पापा मम्मी और बहन के साथ रहता है। अपने सारे दोस्तों की शादी हो जाने के चलते सत्तू मोहल्ले का इकलौता कुंवारा लड़का है जो रोजाना अपनी शादी के सपने देखता है। करीब एक साल पहले गरबा नाइट में सत्तू की मुलाकात एक कथा किराना आडवाणी से हुई थी। शादी के लिए मरे जा रहे सत्तू ने सीधे सीधे कथा को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन उसने पहले बॉयफ्रेंड होने के चलते सत्तू को भाव नहीं दिया। लेकिन इस साल नवरात्रि में सत्तू को जैसे ही पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया तो वो दोबारा चांस मारने उसके घर पहुंचता, लेकिन वहां कुछ ऐसी घटना घटती है कि कथा के पिता उनकी शादी सत्तू के साथ कर देते हैं। कथा इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन पिता के दबाव से उसे ऐसा करना पड़ा। बेटी की शादी बड़े बाप की बेटी से होने के चलते सत्तू के घर वाले बेहद खुश हैं, लेकिन शादी के बाद सत्तू और उसके घर वालों का सामना कथा की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी हकीकत से होता है जो उन्हें हिलाकर रख देती है। फिल्म की कहानी जानने के लिए अपने सिनेमाघरों में जाना होगा।